सेकंड एप्लीकेशन है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये फाइंड आउट करना है मुझे। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस मींस पता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल H2SO4 मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया था, एक बार नोटबुक चेक कीजिए, वहाँ डेफिनेशन में लिखा के दिया था मैं आपको, ठीक है ओके। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना ऑफ द सेल। तो इसीलिए सर्किट डायग्राम वर्किंग और थ्योरेटिकल पार्ट क्या है देखिए वन बाय वन, ठीक है। मुझे स्मॉल आर वैल्यू कैलकुलेट करना है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी, वो फार्मूला भी याद रखो लास्ट में जो आने वाला है फार्मूला, ठीक है। नाउ कम टू दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं सर्किट डायग्राम ड्रा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे साथ मैं आप ड्रा कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ में ड्रा करते जाओ, ड्रा अलॉन्ग विथ मी, ओके। नोटबुक है आपके पास, नहीं है तो ला लीजिए, राइट ओके। स्टार्ट करो, राइट देखो स्टार्ट करो। तो बेटा फर्स्ट टू देखो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सर्किट डायग्राम कैसे स्टार्ट करना चाहिए, एग्जामिनेशन भी कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट टू प्राइमरी सर्किट, ध्यान में रखो प्राइमरी सर्किट, हाँ मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। देखो बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में ड्रा कर रहा हूँ, डायग्राम देखते जाओ। पोटेंशियोमीटर वायर, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। अब इस एंड को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक्सएल कनेक्ट कीजिए ईएमएफई, और क्या कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ की की ले लीजिए, दैट इज मैं K1 दे रहा हूँ, K1 नाम दे रहा हूँ K1, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बेटा रियोस्टैट, रियोस्टैट RH कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी सर्किट, हो गया ड्रा कर दिया प्राइमरी सर्किट, आगे बढ़ो राइट। नाउ प्राइमरी सर्किट सेकंड, अब सेकंडरी सर्किट में देखिए कैसे पार्ट है ये सेकंडरी सर्किट, ओके अच्छे से ड्रा कर दो सर्किट डायग्राम ना रेडिक्स। यहाँ सर्किट सेकेंडरी सर्किट में देखा बेटा, यहाँ एक सेल में कनेक्ट कर रहा हूँ ऑफ ईएमएफ E1, और इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में आ जाओ, यहाँ एक की कनेक्ट कर रहा हूँ और एक की कनेक्ट कर रहा हूँ K2। नेक्स्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ R, हर ये दोनों जॉइंट कर दो, और इस मिड पॉइंट से क्या करना चाहिए गैलोनोमीटर और जॉकी, ये हो गया जॉकी, ठीक है जॉकी। और यहाँ कुछ ये जॉंक्शन का नाम दे दीजिए P Q S, ऑलरेडी R इसलिए मैंने दिया S, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम, ओके। देखो एक बार ध्यान से देख लीजिए, प्राइमरी सर्किट इट इज सेकेंडरी सर्किट, ओके। ये सर्किट डायग्राम ड्रा करना है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ओके। देखो एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लीजिए राइट। स्टार्ट करो बेटा, इंटरनल रेजिस्टर में फाइंड आउट कर रहा हूँ देखिए। हाँ तो फर्स्ट कमॉन प्राइमरी सर्किट में जो EMF है ना SL, ये ऑन कर दीजिए, ऑन कर दिया, करंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है, करंट फ्लो स्टार्ट, ये ऑन कर रहा हूँ बेटा, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज मत कीजिए, ये ओपन है, ये ऑन कर रहा हूँ राइट। करंट फ्लो, करंट फ्लो होने से फिर क्या होना चाहिए गैलोनोमीटर में, क्या होना चाहिए बता दो, गैलोनोमीटर में करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होने से इट शो द रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर रीडिंग 1 mA 2 mA रीडिंग शो कर रही है, ठीक है। अब बेटा यही तो क्लोज है, ये तो क्लोज है, यहाँ कुछ ये काम नहीं कर रहा है, देखो ये ब्रांच काम नहीं कर रहा है, ये ब्रांच काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो E1 इज एक्ट,
ईवन इज एक्ट इन द सर्किट, ईवन एक्ट हो रहा है सर्किट में, ये ईवन एक्ट हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो बेटा ईवन से फाइंड आउट कर दो, ईवन से फाइंड आउट कर दीजिए नल पॉइंट। नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? यस यू नो, टेक दी जॉकी, टैप ऑन दी वायर दैट इज मैंगनीज वायर और पोटेंशियोमीटर वायर एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट द गैल्वेनोमीटर शो द जीरो रीडिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर दो, यहाँ से फाइंड आउट कीजिए कितना लेंथ है, वो लेंथ फाइंड आउट कर दो बेटा, कितना लेंथ है ये, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर दो, दैट इज मे बी 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, कितना है उतना ले लीजिए, सेंटीमीटर या मीटर में ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, एक लेंथ मैं कंसिडर कर रहा हूँ L1, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ईवन इज एक्ट इन द सर्किट। देखो न्यूमेरिकल में ये इंपॉर्टेंट है बेटा, L1 की वैल्यू क्या सेलेक्ट करना चाहिए, E1 की वैल्यू क्या लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। देखो E1 इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सर्किट, ठीक है, E प्रेजेंट इन द प्राइमरी सर्किट, L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E1 इज यूज्ड, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, राइट, लेट लेट L1, देखो बेटा L1 बी बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन व्हेन E1, E1 is at in circuit, E1 is at in circuit, ठीक है, right? Therefore क्या होना बेटा, क्या होना चाहिए, फार्मूला पता है आपको, E1 is equal to, बता दो डायरेक्ट, E1 is equal, क्या लिखना चाहिए, K into L1, where K equal to, where K equal to potential gradient, क्या बेटा ये पोटेंशियल ग्रेडिएंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडिएंट। लेट इक्वेशन नंबर वन, देखो डेरिवेशन ध्यान से देखते जाओ, ओके, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देखो, व्हेन के टू इज क्लोज्ड, When K2 is closed, देखो सर्किट डायग्राम में आ जाओ, सर्किट डायग्राम, ये भी क्लोज है, अब यहां मैं ये भी क्लोज कर रहा हूं K2, तो करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो करंट इस मैं कंसिडर कर रहा हूं I, ये I इस I करंट फ्लोज थ्रू द R रेजिस्टेंस, I करंट R में फ्लो हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना चाहिए अक्रॉस R, and that potential difference develop across the R is called terminal potential difference, क्या बेटा, terminal potential difference, मैं V ले रहा हूँ, V, V ले रहा हूँ, अब V से calculate कीजिए null point, V से calculate कर दो null point, और balancing length मैं L2 ले रहा हूँ, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, now, now let L2 be balancing length, देखो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ, ओके, L2 be balancing length when, when R external resistance R is present in the circuit, present in the circuit, present in the circuit, ठीक है, R is present in the circuit, therefore terminal potential difference, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, K इंटू L2, ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, therefore अब डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड कर दीजिए, therefore डिवाइड 1 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन 2, दैट इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 1 देखिए A1 इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर 2 V इक्वल टू KL2, डिवाइड कर दो E1 upon V equal to KK cancel, L1 upon L2, L1 upon L2, ये equation number 3 ले रहा हूँ, equation number 3 ले रहा हूँ, but अपना ultimate, ultimate target क्या है बेटा अपना, क्या find out करना मुझे, internal resistance,
इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं नाउ लेट अस कंसीडर सर्किट डायग्राम देखिए, लेट अस कंसीडर पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी पी लूप, ये लूप ले रहा हूं, ये लूप कंसीडर कीजिए, पी क्यू एस टी पी ये लूप कंसीडर कर रहा हूं, सेकेंडरी सर्किट में जो लूप है वो कंसीडर कर रहा हूं। तो बेटा ये आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, देयरफोर करंट आई इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं यहां, ई वन अपॉन आई इक्वल टू वी बाय आर बाय ओम्स लॉ, वी बाय आर या ई वन अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों कैसे बेटा सीरीज में ही है, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, ई वन इज इक्वल टू आई इन टू आर प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर फोर ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फोर। एट एंड आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वी इक्वल टू आई इन टू आर, इक्वेशन नंबर फाइव। देयरफोर फोर डिवाइडेड बाय फाइव, डिवाइड कर दो क्या होना चाहिए, ई वन अपॉन वी इक्वल टू आई गेट्स कैंसल आर प्लस आर डिवाइड बाय आर। हाँ तो क्या होना बेटा यहाँ, ई वन अपॉन वी इक्वल टू ये सेपरेट कर दीजिए, वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये इक्वेशन नंबर सिक्स हो गया। विद इन वन मिनट यू विल गेट द आंसर। दो आप देखो इक्वेशन नंबर थ्री देखो बेटा यहाँ, इक्वेशन नंबर थ्री ई वन बाई बी, अब इक्वेशन नंबर सिक्स देखिए, इक्वेशन नंबर सिक्स ई वन बाई बी दोनों सेम है ना, राइट। देयरफोर फ्रॉम थ्री एंड सिक्स वी हैव और वी गेट, हाँ कम ऑन, वन प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, एल वन अपॉन एल टू। अब यहां से मैं क्या लिख रहा हूं बेटा देखिए, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू, देयरफोर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एल वन माइनस एल टू डिवाइडेड बाय एल टू, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हो गया। ये इक्वेशन याद रखना है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हाँ यहाँ एल वन क्या बेटा, बैलेंसिंग लेंथ ऑन द वायर व्हेन ई वन इज एक्ट इन द सर्किट, एल टू इज द बैलेंसिंग लेंथ when external resistance R is act in the circuit, ये formula याद रखिए। हाँ इस अब देखो exam में थोड़ा question change करने के लिए chance है, small r capital R that will be given और find out the L2 value find out कीजिए, yes find out कर सकते हो यहाँ से आप, okay तो sir L2 value नहीं तो L1 value कैसे find out करना चाहिए, इस equation से देखिए, इस equation से मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो क्या यहाँ तक ही लिखना चाहिए आप बोर्ड एग्जाम में, यहां तक ही लिखना चाहिए, मैं नेक्स्ट एज ए नोट लिख रहा हूं, नोट की मीनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह क्वेश्चन भी चांसेस से पूछने के लिए, ठीक है ये होगा बेटा आंसर आपका। सो यहां से मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, देखिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस L2 बाय L2, अब मुझे चाहिए L1 वैल्यू इफ L2 इज गिवन, तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है बेटा। हाँ तो यहाँ से लिख दीजिए, क्या लिखना बेटा यहाँ, आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल, सेपरेट कर दो L1 अपॉन L2 माइनस वन, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस वन L1 अपॉन L2, ठीक है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो गया है सर। देयरफोर हाँ L1
इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन आर इंटू इंटू एल टू। बस जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से लिख सकते हो, इक्वेशन से लिख सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। ओके द फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट एनी ओके इक्वेशन दैट इज एल वन और एल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू। ये फोर मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन फाइव टॉपिक के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।